हेलो एवरीवन, आज मैं देखूंगी कि आज के दिन में आपके पार्टनर ने आपको याद किया, मिस किया, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप स्पेशली नो कांटेक्ट में हैं तो क्या एनर्जी निकल कर आती है। सो इस डेक को मैं करूंगी रैंडमली 4 पार्ट में डिवाइड। 1, 2, 3, 4, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आज के दिन में आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, आपके बारे में सोचे हैं, आपके बारे में याद किए हैं, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उन चीज़ों को याद किया है। आप कैसे इनकी केयर करते हो, कैसे इनको नर्चर करते हो, जब आप इनसे बात करते हो, जब इनके साथ होते हो, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद किया है इन्होंने। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये भी याद किया है कि ये आपसे डिस्टेंस में चले गए तो आप किस हाल में रहे होंगे, आपको किस हाल में छोड़ कर गए हैं ये। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना तड़पाया है, कितना वेटिंग पे रखा है और आज तक आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मतलब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आज के दिन में। जगलिंग की एनर्जी में है, क्या करें, कैसे करें, क्या सही डिसीजन लें, कैसे आपको भी और थर्ड पार्टी या जो भी इनके लाइफ में सिचुएशंस हैं उसको कैसे मैनेज करें, ये सब चीज़ों पर आज इनका ध्यान बहुत ज़्यादा गया है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स के लिए आया है द सन। डेफ़िनेटली ये आपकी तरफ मिसिंग एनर्जी में है तो एक्शन भी लेना चाहते हैं, जैसे ही याद आएगी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो सक्सेस की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6 ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया। अगर ये आपसे दूर गए हैं तो अब ये वापस आना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। देखिए, वेटिंग की एनर्जी है, डिस्टेंस की एनर्जी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द मून ने। ये देखिए, आपसे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी न किसी सिचुएशन की वजह से ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार इतना मिस करते हैं तो बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, क्यों नहीं कर सकते। कर्मा, अभी अपने कर्मा साइकिल में है डियर। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए, बहुत बड़ी गाइडेंस है कि जब तक इंसान अपना कर्मा क्लिंस नहीं करता तब तक वो रियूनियन में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो रियूनियन में आ जाएगा तो उसके कर्मा कौन क्लियर करेगा, और फिर तो आप लोग अपने लाइफ में इंजॉय करेंगे, फिर आप कर्मा क्लियर करने के बारे में तो नहीं सोचेंगे। सो यहाँ पे जब तक आपका क्लियर नहीं होता है कर्मास, तब तक आप लोग परमानेंट रियूनियन में नहीं आ सकते हैं, इसलिए भगवान टाइम देता है, सेपरेशन में रखता है, ताकि आप लोग सही से रियूनाइट हो सकें और रियूनियन के बाद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये है आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।